का दौड़ा दिल्ली मार्ग पर, यहाँ से भी जाते हैं भक्त बालाजी के दर। आगार है दिल्ली में काले खाके नाम से, जाती जहाँ से गाड़ियाँ बाबा के धाम पे। ये मार्ग है सुगम जो सबको दास आएंगे, ध्यान से सुनो नियम जो हम बताएंगे। दो पर्वतों के बीच में नगर है ये बसा, अंजनी के घाट।
विश्राम के पश्चात करना चाहिए स्नान, कपड़े बदल के साफ स्वच्छ कीजिए प्रस्थान। गुणगान करते बालाजी के द्वार आइए, अपने सामान की सुरक्षा आप कीजिए। मंदिर के नियम की भी करो पालना मन से, आराधना करो सभी मन कर्म वचन से। अब सवा दो रुपए भी अपने हाथ लीजिए, चलते हुए बालाजी का गुणगान कीजिए। मंदिर के सामने तुम्हें दरखास्त मिलेगी, दरखास्त सवा दो रुपए की प्रात लगेगी। पावन है धाम चल रे बालाजी धाम चल रे, पावन है धाम चल रे बालाजी धाम चल रे। अब जाइए बालाजी के दर्शन के वास्ते, बाबा जी खोल देंगे सफलता के रास्ते। मंदिर में जाके बालाजी का ध्यान सब धरो, पंक्ति में खड़े होके ना पीछे कभी मुड़ो। दर्शन के हेतु आपकी बारी जो आएगी, सुंदर छवि बालाजी के मन को लुभाएगी। दरखास्त अपने सर को झुका दरखास्त अपने सर से सात वार वार के, बाबा को चढ़ा दीजिए हनुमत पुकार के। प्रसाद में तो लड्डू मिलेंगे तुम्हें भक्तो, ग्रहण करो प्रेम से अलग उन्हें रख दो।
रहते श्रद्धा और विश्वास हो अटल, समझो तभी से यात्रा है आपकी सफल। विश्वास के दम पे करो बाबा की आरती, भक्ति में है शक्ति वो जो डूबो को तारती। भक्ति के बल पे बालाजी का नाम है अमर, भक्ति के बल पे बालाजी का नाम है अमर। पेशी के वो लड्डू मिलेंगे आरती के बाद, बालाजी के प्रति हो सबका मन से अनुराग। रोगी पे भूत प्रेत या साया कोई होगा, खाते ही लड्डू बोलने वहाँ वो लगेगा। संकट न बोले फिर भी न पेशी अगर आए, बाबा जी भैरव नाथ को भी भोग चढ़ाए। पावन है धाम चल रे बालाजी धाम चल रे, पावन है धाम चल रे बालाजी धाम चल रे। भैरव जी के प्रसाद में होते हैं गुलगुले, जो बालाजी के मंदिर के सामने मिले। भैरव को भोग लगाने के बाद ये करना, दो गुलगुले प्रसाद के रोगी को खिलाना। पश्चात प्रेत राज के दरबार में जाना, दीवान सरकार को भी भोग चढ़ाना। इलायची पत्ता से संग लौंग मिठाई, उपले पे रख दो और मन से मांगो दुहाई। उसके धुएं की धुनी रोगी को भी दीजिए, जला के धूप जाना चाहिए, मैया को जो दुखड़ा है वो सुनाना चाहिए। मैया की है दरखास्त पान लोटा एक जल, दो लोग पता से के साथ होता जयफल। माँ को लगाओ भोग ये मिलके पुजारी से, विनती करो कर जोड़ के माँ खड़क धारी से। फिर पान लड्डू देंगे आपको जो
रहना चाहिए, दरबार के इन बंधनों को सहना चाहिए। 11 दिन कम से कम नियम ये चलेगा, घी तेल का अखंड दीप रोज जलेगा। रोगी को इन दिनों धरा पे सोना चाहिए, ब्रह्मचारी बन के घर में वास करना चाहिए। मिर्ची खटाई तेल का उपयोग है वर्जित, झूठ बोले पाप को ना कीजिए। ¡Gracias!
मेहंदीपुर में आके नास्तिक भी आस्तिक होके झुकाते बालाजी के सामने मस्तिक। अभिमानी का भी पल में यहाँ मान टूटता, अज्ञानी का दरबार में अज्ञान छूटता। भैरव प्रेत राज की शक्ति भी है अजब, दीवान जी सरकार की महिमा भी है गजब। जिसने भी बालाजी के दर पे शीश झुका, ये देख के गोसाई जी स्तब्ध रह गए। फिर भक्त राज आके अपने घर में सो गए। बालाजी की आवाज बार बार आती है, गोसाई जी को फिर वही सपना दिखाती है। गोसाई से कहते हैं भक्त मुझसे ना डरो, उठो मेरी सेवा का भार तुम ग्रहण करो। पूजा के
विश्वास के ही दम पे करते काम हर जटिल। हाथ में है शक्ति श्री राम।